तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपने Facebook के अंदर यहां पे देखने को मिल जाता है, जब आप नीचे आते हैं तो एक्टिव लॉग एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक्टिविटी लॉग। तो अगर आप भी अपने Facebook के अंदर एक्टिविटी लॉग ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, सेटिंग यूज करना चाहते हैं और इस सेटिंग से क्या होता है आपके अकाउंट के अंदर, आपके Facebook के अंदर, और आप इसे कैसे यूज करेंगे और इस सेटिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी अपने Facebook के अंदर एक्टिविटी लॉग सेटिंग को यूज करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो इस सेटिंग के पूरी डिटेल्स के बारे में, तो यह वीडियो थोड़ा ध्यान से और पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर फेसबुक ओपन करना है और यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है आपको 3 डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी वो सेटिंग देखने को मिल जाती है एक्टिविटी लॉक की नाम से। तो यहाँ पे आपको नीचे ना है, यहाँ पे आपको वो सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो इस सेटिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहां पे देखने को मिलेगा व्यू एंड मैनेज योर इंफॉर्मेशन एंड सम सेटिंग्स, यानी कि इसका ये मतलब है कि जो अपने फेसबुक के अंदर आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप क्या अपलोड करते हैं, किसे लाइक करते हैं, किसे कमेंट करते हैं, किसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, किसे आप फ्रेंड बनाते हैं, यानी कि सारा का सारा अपना एक्टिविटी को यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, फिर से दिखा देता हूं इसका मतलब क्या है। तो यहां पर देखने को मिलेगा अब आपकी जानकारी और कुछ सेटिंग देखें और प्रबंधित करें, यानी कि अपनी जानकारी और कुछ सेटिंग और उसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहां से आपको ध्यान से सुन लेना है, ताकि मैं आपको जो बताऊंगा और यहां पे आपको ध्यान से सुन लेना है तभी आपको पता चलेगा। वैसे मैंने इन पे अलग अलग एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप इन पे डिटेल्स में जाना चाहते हो अलग अलग एक पर्सनल वीडियो तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यहां पे आपको देखने को मिल जाता है योर पोस्ट का ऑप्शन, तो जैसे आप योर पोस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मैनेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अपनी पोस्ट को आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा टेक्स्ट अपडेट चेक एंड नोट्स एंड मोर, यानी कि यहाँ से आपको वो सारी की सारी आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी जो अपने फेसबुक के अंदर आप टेस्ट वाली, जैसे आप अपने फेसबुक के अंदर गुड मॉर्निंग लिख के सेंड कर देते हो, अपलोड कर देते हो, गुड नाइट, या दोस्तों आपका कोई अच्छा दिन है तो उसमें आप लिख देते हो मंगलमय दिन हो, वो अपलोड कर देते हो, तो सारा का सारा टेस्ट पोस्ट यहाँ पे आपको को मिल जाता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका सारा का सारा टेक्स्ट पोस्ट देखने को मिलेगा और उसे आप मैनेज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा यहां पे आपको देखने को मिलेगा, हमारा यहां पे देखने को मिल रहा है जय श्री राम, यानी कि मैंने एक यहां पे टेस्ट अपलोड किया था 5 अगस्त 2020 को अपने प्रोफाइल के अंदर जय श्री राम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे हमारा टेस्ट देखने को मिल रहा है और यहां पे देखने को मिलेगा शिवम पाल अपडेटेड हिज स्टेटस, यानी कि यहां पे आपको ये टेक्स्ट देखने को मिलेगा और यहीं से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहां पे देखने को मिलेगा मूव टू यहां पे साइकिल बेन, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरी तरीके से पोस्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अब बैक आ जाना है, बैक आने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा फोटोज एंड वीडियोज, यानी कि यहाँ से अपना सारा का सारा फोटो और वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोस्ट फ्रॉम अदर एप्स, यानी कि यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाता है, जैसे आप फेसबुक से नहीं कोई दूसरी, यानी कि जैसे आप ब्राउजर से या किसी एप्लीकेशन से आपने फेसबुक के अंदर कोई भी फोटो वीडियो अपलोड करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्टिविटी यू आर टैग्ड इन, यानी कि आपके यहां पे सारी की सारी एक्टिविटी टैग्ड वाली आपको देखने को मिल जाएगी, आपको कौन कौन टैग करता है, आपने किसके किसको टैग किया है, वो सारी की सारी एक्टिविटी यहां पे आपको देखने को मिलेगी, आप यहां से उसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखने को मिलेगा इंटरेक्शन, यानी कि यहां पे आपको यह देखने को मिलती है कि आप क्या क्या लाइक करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, और भी यहां पे आपको बहुत सारा सेटिंग देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे यहां पे देखने को मिलेगा अपने कमेंट को देखना चाहते हैं कि आप किस किस फोटो के अंदर, किस किस वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं। उसके बाद पोस्ट एंड कमेंट, यानी कि आपकी पोस्ट के अंदर कौन कौन कमेंट करता है। उसके बाद यहां पे देखने को मिलेगा अदर पोस्ट योर टाइमलाइन, यानी कि आपकी जो यहां पे टाइमलाइन में कोई भी पोस्ट अपलोड है उसे देखना चाहते हो तो यहां पे आप देख सकते हो, या कोई अदर बंदा आपके टाइमलाइन में पोस्ट यानी कि पोस्ट करता है, जैसे आपको पता होगा कोई भी बंदा आपको टैग करता है तो आपके वो टाइमलाइन में उसकी पोस्ट अपलोड हो जाती है। उसके बाद यहां पे देखने को मिलेगा योर पोस्ट ऑन अदर टाइमलाइन, यानी कि आपकी पोस्ट किसके किसके
टाइमलाइन में अपलोड है। जैसे आप किसी को टैग करते हैं तो आपकी पोस्ट उसके भी यहाँ पे टाइमलाइन में अपलोड हो जाती है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आर्चिव स्टोरी यानी कि कोई भी आप स्टोरी लगाते हैं और वो आर्काइव कर देते हैं तो वो आप यहीं से चेकआउट कर सकते हैं। जितना कुछ आप सेव करते हैं वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रुप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अपना ग्रुप्स, इवेंट और रील वाले ऑप्शन को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अपने को मिलेगा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से अपने प्रोफाइल के इन्फॉर्मेशन को आप पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे फोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया और मोर, यानी कि और भी बहुत कुछ। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, रिलेशनशिप ऑप्शन को मैनेज कर सकते हैं, अपनी हॉबीज को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से अपना फिल्म एंड टीवी यानी कि अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सॉन्ग यू हैव लिस्टेंड टू यानी कि आपका सॉन्ग पसंदीदा होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपकी बुक्स देखने को मिलेंगे, आपके गेम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आर्टिकल यू हैव रीड यानी कि जो आप आर्टिकल रीड करते हैं फेसबुक पर वो सारे देखने को मिल जाएंगे, और मेंबर प्रोफाइल भी आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। यानी कि पूरी की पूरी आपकी एक्टिविटी यहीं पे आपको देखने को मिलती है कि आप अपने अकाउंट से क्या क्या करते हैं फेसबुक पर। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कनेक्शन का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने फ्रेंड, यहाँ पे अपने पेज, यहाँ पे अपने लाइक यानी कि सारे के सारे यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। देखने को मिलेगा एडेड फ्रेंड यानी कि कितने लोगों को आपने अभी ऐड किया है अपने फ्रेंड लिस्ट में वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा रिमूव्ड फ्रेंड यानी कि आप कितने लोगों को आपने फ्रेंड लिस्ट से रिमूव किया है वो देखने को मिलेगा। यहीं से आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव यानी कि जितने लोगों को आप फ्रेंड की रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करते हैं वो लोग रिसीव किया है या नहीं वो सारे देखने को मिलेंगे। फॉलोइंग देखने को मिलेंगे, फॉलोवर देखने को मिलेंगे, पेज यहाँ पे पेज और यहाँ पे पेजेस लाइक एंड इंटरेस्ट यानी कि जितने पेज आप लाइक करते हैं या आपके पेज को कोई लाइक करता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट यानी कि आप किसी को भी सेंड करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपकी सारी की सारी एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। यहीं से आप व्यू एक्टिविटी हिस्ट्री देख सकते हैं, व्यू यहाँ पे लॉग्ड एक्शन यानी कि आपके सारे के सारे लॉग्ड वाली एक्शन यानी कि जहां पे आपका फेसबुक लॉगिन होता है, लॉग आउट होता है, वो सारा का सारा एक्शन यहीं से आप देख सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं। सर्च हिस्ट्री आप देख सकते हैं, वीडियो वॉच यहाँ पे आप जो वीडियो फेसबुक पर देखते हैं वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको वीडियोज यू हैव सर्च फॉर यानी कि कोई वीडियो आप सर्च करते हैं फेसबुक पर वो आप देख सकते हैं, हिडन फ्रॉम टाइमलाइन अपनी टाइमलाइन को देख सकते हैं जो आपके हिडन होकर रहती है। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो अब यहां पे आपको पता चल गया होगा कि फेसबुक के अंदर एक्टिविटी लॉग सेटिंग कैसे यूज करते हैं और इस सेटिंग से फेसबुक के अंदर क्या परिवर्तन पड़ता है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।